गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आ पहुंचे हैं बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत लेसन नंबर 61 पे। 61वां लेसन आज मैं ले रहा हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, और आज का जो ये टॉपिक है ये बेसिक्स ऑफ म्यूजिक में ही आता है। ये बेसिक्स ही है म्यूजिक का, हमें पता होना चाहिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन है डियर स्टूडेंट्स आज का। और ये आज का जो लेसन है ये आपको कहाँ कहाँ पे काम आएगा पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आप किसी भी तरह की म्यूजिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर बनना हो, चाहे नवोदय में टीचर बनना हो, चाहे कॉलेज में आपको प्रोफेसर बनना हो, कुछ भी आप कीजिए, यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आज आपसे इस वीडियो लेसन में डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का टॉपिक है रागधारी संगीत के नियम। जी हाँ, जब हम राग को गाते हैं या रागों का गायन करते हैं तो क्या क्या नियम हमें पता होने चाहिए जिनके आधार पर रागधारी संगीत बनता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। प्लीज आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कॉपी पेन लेके नोट भी करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको वाकई में संगीत से प्यार है और जो संगीत की सेवा करना चाहते हैं या संगीत की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, या मैं कहूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके बहुत काम आने वाली चीज है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का अपना लेसन शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला नियम क्या है राग का? हर राग में आरोह और अवरोह का होना कंपल्सरी है। राग में आरोह और अवरोह होना जरूरी है, उसके बिना राग नहीं बन सकता है, क्योंकि थाट से बनता है राग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो थाट से बनता है राग, और राग और थाट एक दूसरे के पूरक हैं। तो थाट को क्योंकि हम गाते नहीं हैं इसीलिए थाट में केवल आरोह होता है, राग को क्योंकि गाया जाता है इसीलिए राग में अवरोह और आरोह दोनों का होना कंपलसरी है। तो राग में आरोह अवरोह का होना कंपलसरी है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, किसी भी राग में जो सा स्वर है सा, वो कभी भी वर्जित नहीं होगा, कभी भी एब्सेंट नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि सा की स्थिति अल्प हो सकती है, जैसे राग मारवा यदि आप देखेंगे तो उसमें कोमल ऋषभ का बहुत अधिक महत्व रहता है, धैवत शुद्ध धैवत का महत्व रहता है, ध और रे काफी हाईलाइटेड रहते हैं, सा उसमें बहुत अल्प रूप में रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें सा है ही नहीं, सा उसमें है लेकिन अल्प रूप में है। तो कई ऐसे राग हैं जिसमें सा अल्प रूप में है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मारवा राग बताया है, राग मारवा में सा की स्थिति थोड़ी सी अल्प है। अल्प होने का मतलब ये नहीं कि वो वर्जित हो गया है, वर्जित नहीं हो सकता, सा अल्प है बेशक लेकिन वर्जित नहीं है, तो सा कभी भी वर्जित नहीं होगा, दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी राग में, चाहे वो कोई भी राग हो, हमारे बहुत से राग हैं, यदि मैं भातखंडे जी की संगीत पद्धति के अनुसार देखूं तो जो उन्होंने थाट राग पद्धति बताई है तो उसमें उन्होंने एक थाट से 484 राग बताए हैं, और उस लिहाज से 10 थाटों के कितने राग बन जाएंगे, 4840 राग। तो 4840 में से एक भी ऐसे राग में ये नियम जो है नहीं देखा जाता कि जिसकी अवहेलना होती हो, जहां पे क्या होता हो कि 4840 रागों में ये नियम कहता है कि म और प किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होंगे, या तो एक टाइम पे प वर्जित होगा तो म उस राग में दिखाई देगा, यदि म वर्जित होगा तो प नहीं होगा, ठीक है, या सॉरी यदि म वर्जित होगा तो प होगा। अब फॉर एग्जांपल राग मालकौंस, उसमें पंचम स्वर वर्जित होता है, ठीक है, पंचम वर्जित है लेकिन मध्यम तो है ना उसमें, अब ऐसा तो नहीं है कि पंचम वर्जित हो गया तो मध्यम भी वर्जित है। और इसका उल्टा देखते हैं किसी और राग में जहां पे जो है पंचम लगता है लेकिन मध्यम वर्जित है, तो आइए ऐसा राग हम देखते हैं। ऐसा राग हमारे पास में कौन सा मिलेगा हमें, भूपाली। तो देखिए भूपाली में क्या है, पंचम लगता है लेकिन मध्यम वर्जित हो जाता है, तो एक टाइम पे प तो है लेकिन म गायब है, और दूसरी ओर आपने देखा म चल रहा था प गायब हो गया मालकौंस में, तो मालकौंस में पंचम नहीं है तो मध्यम है, भूपाली में पंचम था तो मध्यम नहीं था। तो यानी कि यहां पे क्या नियम अप्लाई हुआ कि राग में म और प एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। अब मजे की बात देखिए डियर स्टूडेंट्स, राग में इतने सारे हमारे राग हैं, 4840 राग हैं यदि हम 10 थाट के अनुसार देखें, इन दस थाटों के अनुसार 4840 में से केवल और केवल एकमात्र ऐसा राग है जो इस नियम का अपवाद है, और उस राग का नाम है राग अद्भुत कल्याण। जी हाँ, राग अद्भुत कल्याण। ये अद्भुत इसीलिए है क्योंकि इसमें अद्भुत बात हुई है। कौन सी अद्भुत बात हुई है कि इसमें राग का वो नियम जो है फेल हो गया। कौन सा? एकमात्र ऐसा यह राग है संगीत में जिसमें एक साथ मध्यम और पंचम वर्जित हो जाते हैं राग में, और राग बन जाता है अद्भुत कल्याण। तो यह कल्याण का ही प्रकार है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि अद्भुत कल्याण बनता कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, राग यमन हम सभी ने किया हुआ है, राग यमन में मध्यम तीव्र मध्यम होता है और पंचम होता है, तो राग यमन में तीव्र मध्यम और पंचम को वर्जित कर दीजिए, राग बन जाएगा अद्भुत कल्याण, जो इस नियम का अपवाद होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद रागधारी संगीत का नियम यह कहता है कि रागधारी संगीत में वादी संवादी
अनुवादी और विवादी, ये चार स्वरों का होना द मोस्ट कंपल्सरी है राग में, ये होंगे ही होंगे। मान लीजिए किसी राग में विवादी स्वर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो दिखाई देगा, तो ये नियम है कि वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर का होना राग में बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स रागदारी संगीत ये बोलता है नियम कि राग का एक मूड निश्चित होगा। दो प्रकार के मूड ज्यादातर राग में देखे जाते हैं, गंभीरता और या चंचलता। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि राग का जो मूड है वो उससे क्या डिसाइड होता है। तो राग के मूड का ये नियम रखा गया है हमारे संगीत में कि राग के मूड या राग की फीलिंग्स के अनुसार राग का गायन समय निश्चित होता है। अब जैसे राग भैरव की मैं बात करता हूं, वो सीरियस नेचर का राग है, सीरियस मूड है उस राग का, तो वो सुबह के टाइम में गाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह का समय जो है सीरियस माना जाता है, सीरियस रागों का समय माना जाता है, और शाम का समय थोड़े से चंचल प्रकृति के राग, या मैं कहूं कि हल्की सी चंचलता लिए हुए जिसमें इतनी गंभीरता नहीं होती, वह राग गाए जाते हैं। तो राग भैरव का भी यदि आप मूड देखेंगे, उसका मूड इस तरह का है उसके स्वरों का कि आपको सुबह का आभास होगा, आपको बहुत सीरियसनेस मिलेगी, तो आपको सुबह गाना उसको अच्छा लगेगा। शाम को भैरव कभी नहीं खिलता, आप यदि अच्छे से भैरव को समझते हैं तो आप गा के देखिएगा, प्रैक्टिकली आपको मजा नहीं आएगा शाम को। शाम के समय भैरव कभी नहीं बन पाएगा, आपसे खिल ही नहीं पाएगा क्योंकि माहौल ही नहीं है उसका। तो राग का मूड भी बहुत डिपेंड करता है, ये भी एक नियमावली के तहत आता है कि राग का एक गायन समय निश्चित है, और वो कैसे होता है, राग के पर्टिकुलर जो उसमें मूड है राग का उसके अनुसार। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि राग में, रागदारी संगीत में एक और बड़ा अच्छा नियम है कि हम गायन समय की परंपरा फॉलो करते हैं, और जो गायन समय की परंपरा है वो हमारे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में फॉलो की जाती है, कर्नाटकी संगीत में फॉलो नहीं की जाती। अब इसका भी एक आपको मैं मतलब समझाता हूं कि हमारे यहाँ पे गायन समय का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप पढ़ते होंगे रागों के परिचय में कि राग यमन रात्रि के प्रथम प्रहर का राग है, राग मान लीजिए मियां मल्हार है वो मध्य रात्रि में गाया जाता है, राग भीमप्लासी है दोपहर में, तीसरे प्रहर में गाया जाता है। तो ये क्यों ऐसा है? इसका मतलब ये है कि रागों का समय निश्चित किया गया है, और इसका मतलब क्या है आइए वो आपको समझाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स रागदारी संगीत में नियम यह बोलता है कि जब गायन समय का जो नियम है रागदारी संगीत के अंतर्गत, वो दो तरह से फॉलो किया जाता है। जब हम गुरु शिष्य परंपरा में रागदारी सीख रहे हैं, रागों को सीख रहे होते हैं, तो मान लीजिए राग मालकों से आप सीख रहे हैं अपने गुरु जी से, तो राग मालकों का समय तो रात्रि का तीसरा प्रहर है, लेकिन आप उसको गुरु शिष्य परंपरा में ये नियम है, ये छूट है कि आप उसको कभी भी गा बजा सकते हैं। लेकिन जब आपको राग को, मालकौंस को स्टेज पे, ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टेज पे, स्टेज परफॉर्मेंस के रूप में या कॉन्सर्ट के रूप में प्रेजेंट करना है, उस वक्त आपको नियम निभाना पड़ेगा, आपको रात्रि के तीसरे प्रहर का इंतजार करना पड़ेगा। आप मालकौंस को दिन में नहीं गा सकते, स्टेज परफॉर्मेंस पे, क्लास में आप कभी भी गा सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा में सीखते हुए। तो ये भी एक नियम है, आपने इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद राग को मधुर होना, और राग का मधुर होना, या मैं कहूं कि राग में एक मधुरता होना इसका नियम है, राग को मधुर होना ही चाहिए तभी वो राग कहलाएगा। और राग में रंजकता यानी कि राग में एंटरटेनमेंट वैल्यू होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो राग राग नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा फिर। तो ये रागदारी संगीत का एक नियम है। आइए अब देखते हैं कि जब किसी राग का थाट डिसाइड नहीं हो पाता है डियर स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में नियम यह बोलता है कि राग रागांग पद्धति हमें जो है देखनी पड़ती है। जैसे चंद्रकौंस एक राग है जिसमें गंधार कोमल है, धैवत कोमल है, लेकिन निषाद उसमें शुद्ध हो जाता है, हालांकि वो मालकौंस से ही बनता है, लेकिन राग चंद्रकौंस में देखिए क्या है, यदि आप पूरा इसका विश्लेषण करेंगे, सा ग म ध नी सा, ये स्वर है चंद्रकौंस के आरोह अवरोह में। अब देखिए इसमें होता क्या है, चंद्रकौंस में ग कोमल है, ध कोमल है, इस प्रकार का हमारे संगीत में कोई भी थाट नहीं है जिसमें ग कोमल हो और ध कोमल हो। हालांकि ऐसे थाट है जिसमें ग कोमल हो तो वो काफी है, लेकिन उसके साथ नी कोमल है, ध कोमल नहीं होता। काफी थाट की पहचान है ग और नी का कोमल होना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ग कोमल है लेकिन ध कोमल हो गया, ऐसा कोई थाट नहीं हमारा, ठीक है। और यदि यहां पे इसको भैरव के एंगल से भी देखें हम, तो भैरव थाट में ध तो कोमल है लेकिन उसके साथ में रे कोमल है, यहां पे तो ग कोमल आ रहा है, तो इसीलिए ये नियम यहां पे फेल हो जा रहा है कि हम इस राग को थाट के अंतर्गत नहीं रख पा रहे हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट हैं, जब वो पद्धति फेल हो जा रही है हमारी, जहां पे हम किसी राग को उसके अंतर्गत नहीं रख पा रहे, तो वहां पे नियम क्या कहता है कि उस राग को फिर रागांग पद्धति के अनुसार जो है उसके थाट को डिसाइड किया जाता है। जैसे चंद्रकौंस का जो आधार राग है वो क्या है, मालकौंस, और मालकौंस कौन से थाट का राग है, भैरवी थाट का है, पहली बात। दूसरी बात, जो मालकौंस जो राग है वो कौंस अंग का राग है, तो कौंस अंग में किस चीज की प्रधानता है, कोमल गंधार की, कोमल धैवत की, तो ये किस चीज को डिनोट करते हैं, कोमल निषाद लगता है। तो
ग ध और नी कोमल होना, ये भैरवी थाट को दिखा रहा है उसमें, यानी भैरवी अंग को दिखा रहा है। लेकिन कौन संघ की जो प्रधानता है वो क्या दिखा रही है, कोमल गंधार और कोमल निषाद को, या मैं कहूं साथ साथ में कोमल धैवत को, तो जो बेसिकली अल्टीमेटली भैरवी की ओर इशारा कर रही है। तो कौन संघ जो है भैरवी के स्वरों से बनता है, ग ध नी कोमल होते हैं उसमें, और ऐसा ही हमारा जो मालकोंस है वो भैरवी थाट को दिखाता है। तो भैरवी थाट को मालकोंस के दिखाने के साथ साथ में जो कौन संघ के स्वर है वो भी लगभग भैरवी से मैच करते हैं, इसीलिए इसको कौन संघ का राग होने के नाते चंद्रकोंस को भी हम थाट भैरवी के अंतर्गत रख देते हैं। तो जहां पे हमारे रागदारी संगीत में थाट परंपरा फेल हो जाती है, वहां पे हम रागांग पद्धति से उसको जो है देखते हैं, ये भी एक नियम है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, रागों का एक नियम ये है कि राग का जो गायन समय है वो निश्चित है। मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि रागों का गायन समय है, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक कैटेगरी ये भी आती है हमारे रागदारी संगीत में, जिसे कहा जाता है मौसमी राग, यानी कि सीजन पे आधारित राग, जैसे बरसात के राग यानी मल्हार, या मैं कहूं बसंत ऋतु के राग जैसे राग बहार है, या राग आपका बसंत है। तो ये ऐसे राग हैं डियर स्टूडेंट्स, मौसमी राग जिनको कहा जाता है। मौसमी रागों का नियम ये बोलता है कि जब किसी राग के गाने का मौसम है, जैसे राग मल्हार है, मियां मल्हार है, मेघ मल्हार है, तो इन रागों को, वैसे तो इनका समय है कि मध्य रात्रि में हम इनको गाते हैं मियां मल्हार को, जब भी हम परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जब इसका मौसम होगा इस राग का, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो उस वक्त आप इस राग को दिन में भी गा सकते हैं, जिस भी समय आप गाना चाहें गा सकते हैं, क्योंकि वो मौसम है उस राग के गाने का। तो मौसम के आधार पे जो राग गाए जाते हैं वहां पे भी ये नियम ये कहता है कि वो राग जो है उस मौसम में किसी भी समय गाए बजाए जा सकते हैं, ये भी एक नियम है हमारा जो हमें पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपसे एक बात ये करना चाहूंगा कि एक और नियम ये कहता है कि हर राग जो है स्वर संगतियों से ही बनता है। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि अलग अलग स्वर संगतियों के इकट्ठा आ जाने से राग जो है बनता है। तो हर राग के बनने के पीछे की जो प्रक्रिया है वो है उस राग में छुपी हुई स्वर संगतियां। तो एक राग में कम से कम नियमानुसार कम से कम दो या तीन स्वर संगतियां होनी चाहिए, और अधिक से अधिक जो है उसमें छह या सात स्वर संगतियां हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि राग की जाति की कैसी है, औडव है, शाडव है या संपूर्ण है, उस हिसाब से ये चेंज हो सकता है। तो कम से कम राग में प्रमुख स्वर संगतियों के रूप में कम से कम तीन स्वर संगतियां होना तो आवश्यक है, तभी वो राग जो है अच्छे से जो है समझ में आ पाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे रागदारी संगीत का एक नियम ये भी है कि जो हमारा आधार वाद्य यंत्र है वो क्या है, तानपुरा। जब भी हम गायन संगीत करेंगे, राग को गाएंगे या बजाएंगे, तो आधार स्वर के रूप में हम क्या लेंगे, तानपुरा। तो तानपुरा हमारा आधार स्वर आधार वाद्य यंत्र रहेगा, जिस पे हम जो है अपना स्वर जो है जिससे हम अपना आधार के रूप में लेंगे, जिससे हमारा गायन और वादन को आधार मानते हुए हम चलेंगे। तो हमारा आधार वाद्य यंत्र क्या होगा रागदारी संगीत में, तानपुरा। और जब हम स्टेज पे गा रहे होंगे और या गा रहे होते हैं रागदारी संगीत में, जब हम रागों का गायन करते हैं या वादन करते हैं, तो हमारे साथ में जो सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होते हैं, यदि हम गायन कर रहे हैं तो हमारे साथ में तबला बजेगा। ये नियम है कि रागदारी संगीत में तबले का जो है वादन किया जाता है ख्याल गायकी में। यदि हम ध्रुपद गा रहे हैं तो पखावज की जो है हमारे साथ में संगत की जाएगी, ये नियम है, इस नियम को हमें निभाना पड़ता है रागदारी में। और यदि मान लीजिए हम जो है स्टेज पे बैठे हैं और ख्याल गायन कर रहे हैं, तो हारमोनियम जो है संगत के वाद्य के रूप में चलेगा, ताल वाद्य के रूप में तबला, और संगत के वाद्य के रूप में हमारे साथ में क्या होगा, सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे साथ होगा हारमोनियम या सारंगी। तो नियम यह है, या तो हारमोनियम होगा या सारंगी का प्रयोग किया जाएगा, यह नियम है। और ताल के रूप में तबला, यदि ख्याल गायकी आप गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं तो तबला, यदि हम ध्रुपद गा रहे हैं रागदारी संगीत के अंतर्गत तो क्या आएगा, पखावज का प्रयोग किया जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, एक ऐसा नियम ये और है राग के गायन समय से जुड़ा हुआ कि जो सर्वकालिक राग होते हैं, जैसे राग भैरवी है या राग धानी है ना, इन रागों को भी हम किसी भी वक्त गा सकते हैं। जैसे राग भैरवी का समय तो प्रातः काल का है, लेकिन वो सर्वकालिक राग है, उसको किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। तो ये भी एक नियम है रागदारी संगीत का कि सर्वकालिक राग जो है किसी भी समय गाए बजाए जा सकते हैं। और एक हमारा जो नियम है डियर स्टूडेंट्स रागदारी संगीत का कि रागदारी संगीत खास तौर पे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है आलाप प्रधान है, यहाँ पे हमारे स्वरों के आलाप पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ये हमारी रागदारी की परंपरा है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे स्वरों पर न्यास देने की प्रक्रिया के अनुसार जो है राग का गायन किया जाता है, यानी कि राग पे थोड़ा सा टिकते हैं हम थोड़ी देर, हर स्वर पे जो है टिका टिका के, टिकाव भरा न्यास युक्त जो टिकाव हम लेते हैं स्वरों पे, उससे उसके अनुसार जो है गायकी की जाती है, जबकि कर्नाटकी संगीत में ऐसा नहीं देखा जाता। तो हमारे यहाँ की रागदारी परंपरा में ये चलता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रागदारी संगीत की परंपरा में अब ये भी एक नियम है कि जब भी किसी संगीत महफिल का अंत कोई कलाकार मंच प्रदर्शन के दौरान करते हैं, तो वो
राग भैरवी गाकर ही अपनी प्रस्तुति का अंत करते हैं। ये भी एक नियम है कि भैरवी से ही अंत किया जाता है। हालांकि ये ठीक है कि कोई 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 कलाकार अपने, मान लीजिए वो उस वक्त का राग गा रहे हैं स्टेज पे, तो उसी राग को गा के भी अंत कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि वो और किसी राग को लेना चाहें और किसी एक राग के साथ अंत करना चाहें, तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, नियम ये बन चुका है कि राग भैरवी से ही जो है किसी भी कलाकार के द्वारा जो है अपनी प्रस्तुति का अंत किया जाता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि राग भैरव या राग भीमप्लासी या कोई और राग लिया हो, केवल और केवल भैरवी से अंत किया जाता है। जैसे खाना खाने के बाद जो है मीठा लिया जाता है, मीठे से जो है हम अपने भोजन का समापन करते हैं। तो इसी प्रकार से आप सोच लीजिए कि राग भैरवी में वो मिठास है जिस मिठास के कारण इसको चूज किया गया है रागदारी संगीत में रागों का प्रस्तुतिकरण करने के बाद अंत करने के लिए, तो भैरवी से अंत किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक और नियम ये कहता है कि राग में शुद्ध और कोमल स्वरों का जो रूप है वो एक साथ क्रोमेटिक स्केल के रूप में कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। यदि आप क्रोमेटिक स्केल के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने आपको लिंक दिया है, आप समझ जाएंगे। तो राग में जो क्रोमेटिक स्टाइल होता है गाने का, जो सा के बाद कोमल रे के बाद शुद्ध रे आ रहा है, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, इस क्रम में राग कभी नहीं होगा। या तो राग में आरोह में, यदि मान लीजिए किसी राग में शुद्ध और कोमल दोनों स्वर प्रयोग होते हैं, तो नियम यह बोलता है राग का कि यदि किसी राग में शुद्ध और कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो उस राग में राग का जो शुद्ध रूप है स्वर का वो आरोह में यूज होगा और जो कोमल रूप है राग के उस स्वर का वो अवरोह में यूज होगा। यानी शुद्ध स्वर आरोह में, कोमल स्वर अवरोह में यूज होगा। जैसे मान लीजिए किसी राग में शुद्ध गंधार है, जैसे राग जोग की बात करते हैं हम, उसमें दोनों गंधार लगते हैं, तो उसमें क्या है, आरोह में शुद्ध रूप लगा गंधार का और अवरोह में जो है गंधार का कोमल रूप यूज हुआ। तो इस तरह से हमने क्या देखा, रागधारी संगीत का नियम यह बोलता है कि यदि किसी भी राग में शुद्ध और कोमल दो स्वर यूज होते हों, किसी एक स्वर के दोनों रूप यूज होते हैं, तो आरोह में लगेगा शुद्ध रूप और अवरोह में लगेगा कोमल रूप। और इसके साथ साथ नियम यह भी बोलता है कि राग कभी भी जो है क्रोमेटिक स्टाइल में नहीं गाया जाएगा। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो रागधारी संगीत है उसका नियम यह बोलता है कि क्रोमेटिक स्टाइल में हम नहीं गाएंगे। यानी सा के बाद कोमल रे, फिर कोमल रे के एकदम बाद हमने शुद्ध रे ले लिया एक ही क्रम में, यानी आरोह में ही, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे नियम नहीं है, हमारे यहाँ पे हम जो है जो रागधारी परंपरा गाते हैं वो थोड़ा सा अलग है, क्रोमेटिक स्केल पे हम उसको फॉलो नहीं करते। क्रोमेटिक स्केल यदि आप नहीं जानते तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहां पे देख लीजिए उस वीडियो को, आप समझ जाएंगे कि क्रोमेटिक स्टाइल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे रागधारी संगीत के कुछ नियम जो मैंने आपके साथ जो है शेयर किए हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ जो है हर तरह से नियम शेयर किया है। हाँ, एक नियम शायद मैंने आपसे शेयर नहीं किया है कि हर राग का यह भी एक नियम है कि उसे किसी ना किसी थाट के अंतर्गत होना कंपलसरी है। यदि वो किसी थाट के अंतर्गत नहीं आता तो राग रागांग पद्धति के अनुसार उसे किसी थाट में रख दिया जाता है, ये नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज का ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये सभी बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी हमें जो है रागदारी संगीत का असली मजा आएगा और हम जो है राग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यही समाप्त करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके हर प्रकार के डाउट्स इस लेसन से क्लियर हुए होंगे और आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लेसन जो है काम आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।